टू सूर्य ब्लॉग। दिस इज मेरा नाम सुब्रत है। आप सबको मेरे चैनल में स्वागत है। बहुत दिन के बाद, लगभग 10-12 दिन के बाद आज आया हूँ फिर से वापस यूट्यूब में, थोड़ा सा टाइम मिला तो। आज मैं कंसेंट पे बात करूँगा। कंसेंट मतलब इंसान की जिंदगी में शुरू से। आज मेरी उम्र लगभग 30 साल है, तो मैं 30 साल तक क्या कर पाया, किसके लिए क्या कर पाया, किसके लिए मैं क्या बन पाया, वो चीज़ को मुझे फोकस करवाना बहुत ज़रूरी लगा मुझे। तो आज मैं यूट्यूब चैनल पे आके ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ। जब आप बचपन में माँ बाप शुरू में आपकी लाइफ की जब शुरू होती है, जब आप किसी जिंदगी को कोई इंसान के पेट के अंदर से जब आप बाहर आते हो, एक जिंदगी से दूसरी जिंदगी जब जन्म लेता है, जब दुनिया में आता है एक बच्चा, तो पहले तो रो ही लेता है। रोने के बाद जब सब बड़े लाड प्यार से बड़े करते हैं, बड़े करने के बाद जैसे मान लो आप 4 साल के हो गए, उसके बाद आपके घर वाले आपको स्कूल भेजते हैं, तो स्कूल भेजने के बाद जब आप पढ़ाई करोगे, अच्छा खासा पढ़ाई करोगे, तो टीचर्स के पास बेस्ट बनोगे आप, राइट। अच्छा पढ़ाई करने के बाद टीचर्स बोलेंगे कि ये स्टूडेंट बेस्ट है, ये मेरा स्टूडेंट है, तो वो हो गया आपका स्कूल कॉलेज लाइफ। कॉलेज लाइफ की बात, जब तक आपकी जॉब नहीं लगती, जब तक आपकी पढ़ाई पूरी नहीं होती, तब तक की बात बोल रहा हूँ मैं। वो हो गया आपका पढ़ाई लाइफ तक, आप अपने टीचर्स के पास बहुत अच्छे स्टूडेंट बने। उसके बाद आपका जॉब लगता है। जॉब लगने के बाद आप क्या करते हो, जॉब लगने के बाद घर वाले शादी करवा देते हैं। शादी करवाने के बाद आप किसी बनते हो, व्हाटएवर। तो पति बनने के बाद आप एक पति के पास, एक पत्नी के पास अच्छा पति बनना पड़ता है। उसके लिए भी कई सारे सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं। स्कूल लाइफ में जब आप स्कूल से कॉलेज लाइफ तक जब आप एक टीचर के पास, एक मतलब मैं बोल रहा हूँ कहने की बात, टीचर्स के पास जब आप अच्छे बनते हो तो भी आपके सैक्रिफाइसेस रहा है, ठीक है। फिर जब आप शादी करते हो कि बीवी के पास जब आप अच्छे पति बनते हो तो भी कई सारे सैक्रिफाइसेस रहते हैं। उसके बाद उसी बीच आप अपने माँ बाप को जब अपने पास रखने लगते हो, तो अपने माँ बाप के पास अच्छे बेटे बनते हो। माँ बाप बोलते हैं कि चलो मेरा बेटा अच्छा है, मेरा बेटा अच्छा कंपनी में जॉब करता है, अच्छा पोस्ट में जॉब करता है, सरकारी हो प्राइवेट हो। ये हो गया। जब आपके जिंदगी में एक नया मेहमान आ जाते हैं, लाइक आपके बच्चे आ जाते हैं, आपके बच्चे के लिए आप करते हो सेम रूटीन जो आपके माँ बाप आपके लिए किए हैं, मेरे माँ बाप मेरे लिए किए हुए, सेम वही चीज़ आपके माँ आप भी अपने बच्चों के लिए करोगे। तो अपने बच्चों के पास अब बेस्ट पापा बनना है, आपको वर्ल्ड के बेस्ट पापा बनना है या अच्छा पापा बनना है, उसके लिए भी आपको कुछ करना है। करोगे तो पापा के पास अच्छा, आपके बेटों के पास अच्छा पापा बनोगे, अपने बच्चों के पास। उसके बाद एक घर आप लोगे, घर बनाओगे, लोगे बनाओगे या गाड़ी खरीदोगे, तो सब अच्छे बोलेंगे कि पहले आप अपने टीचर्स के पास अच्छे रहें, उसके बाद अपने बीवी के पास अच्छे हस्बैंड बने, उसके बाद अपने पेरेंट्स के पास अच्छे बेटे बने, उसके बाद अपने बच्चों के पास अच्छे पापा बने। इसी बीच में एक और रोल रख कर रुक गया, आपका बहन, आपके छोटे बहन या छोटे भाई, उन लोगों के लिए भी आपको अच्छा भाई बनना पड़ेगा, बड़ा भाई बनना पड़ेगा आपको। तो सबके लिए आप अच्छे बने। कभी आपको लोग पूछें
आपके लिए कौन अच्छा बनेगा, पूछे नहीं है, पूछेंगे नहीं शायद, क्योंकि ये सिलसिला जो है ना ये बहुत पुराने से चलते आ रहे हैं। तो शायद आज के डेट में मैं अपना फीलिंग्स शेयर कर पा रहा हूँ सोशल मीडिया पे। पुराने ज़माने के जो मेरे पेरेंट्स थे या आपके पेरेंट्स थे, वो लोग शायद नहीं थे, उन लोग के पास सोशल मीडिया नहीं था, वो लोग चलाने नहीं जानते थे। मैं तो अपना बारे में बता रहा हूँ, मेरे पापा को आज मेरे पापा को मोबाइल भी चलाना नहीं आता था, मोबाइल भी नहीं चला पाते थे। तो जो भी है, मेरा वो एक ही कंसेंट है, आज के डेट में आप जो भी हो, अपने लेवल पे, अपने दम पे हो या किसी के सहारे पे हो, वो बात अलग है। किसी ने आपको मदद करके खड़ा कर दिया, या आप अपने दम पे खड़े हो, या आप किसी के साथ कोई व्हाटएवर, जो भी आपको आप लोगों को समझना है आप लोग समझ लीजिए। बट वही मैं बोलना चाहता हूँ कि आप सबके लिए अच्छा बनना है आपको, बट आप के लिए कौन अच्छा बना आज के डेट में? सोचिए, आप लोग भी सोचिए, मैं भी सोचता हूँ। बस ऐसे मुंह में बात आ गया, इसलिए मैं निकाल दिया, निकाल के शेयर कर दिया आप लोग। अब आप लोग भी सोचिए, आप सबके लिए बने, जो भी मेरे चैनल को देख रहे हैं, आप किसके लिए अच्छे बने? सबके लिए बने। अब बट आपके लिए अच्छा कौन बना, कोई है आज के डेट तक? अगर कोई है आपके लिए अच्छा, प्लीज रिस्पेक्ट हिम। ये गलती ये मत बोलना कि मेरे लिए क्या किया है उसने, मेरे लिए इसने क्या किया है, मेरे लिए मेरे माँ बाप ने क्या किया है, ये मत सोचना। तो मेरा कंसेंट ये था, थोड़ा सा लंबा हो गया मेरा वीडियो, बट एनीवेज आप लोग पूरा देख लीजिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अगर आप लोग को अच्छा लगे तो। और मुझे कमेंट में ये लिखने मत बोलना कि आप तो सबके लिए अच्छा बने, बचपन में टीचर्स के लिए अच्छा बने, स्कूल एजुकेशन लाइफ की बात कर रहा हूँ, सबके लिए अच्छा बने, बीवी के लिए अच्छा पति बने, माँ बाप के लिए अच्छे बेटे बने, भाई बहन के लिए अच्छा भाई बने, बच्चों के लिए अच्छा पापा बने, बट आपके लिए अच्छा कौन बना? सस्पेंस तो बहुत सारे हैं, लाइक ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं, बट आपको क्या लगता है कि आपके लिए कौन अच्छा बना? प्लीज मुझे कमेंट में बताइएगा मैसेज करके। और जो इस चैनल में आए नया, प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक